पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल है। तो अभी तक जैसे हमने बेसिक चीजों पे डिस्कस किया, जैसे कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, फिल्टर करना, सॉर्टिंग करना, ये चीजों के बारे में हमने सीखा है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस। पता है कि डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, पिवट टेबल का यूज किस तरह से होता है, क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिवट टेबल को यूज करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं पिवट टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में कि पिवट टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, तो आखिर इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर कि ऑफिस में हम रिपोर्ट बनाते हैं तो आखिर रिपोर्ट होती क्या है। अगर हम रिपोर्ट का डेफिनेशन की बात करें तो रिपोर्ट का डेफिनेशन होता है समरी ऑफ द डेटा। तो कोई भी रिपोर्ट चाहे जैसी भी हो, हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी एंगल पे डेटा को समराइज करके ही बनाते हैं। तो हम चाहे वो मतलब कि बेस जो होता है, बाकी और चीजें भी हो सकती है, लेकिन बेसिक हमें क्या होता है, समराइजेशन ऑफ द डेटा। जैसे आपने मंथली रिपोर्ट बनाया तो आप क्या करेंगे, फाइल डेटा को मंथली समराइज करेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? हेलो राहुल जी, आवाज आ रही? आ रही आ रही सर, आ रही। तो रिपोर्ट जो हम बनाते हैं वो समराइजेशन ऑफ द डेटा होता है कि डेटा को किसी न किसी एंगल पे हम समराइज करते हैं। ओके, तो पिवट टेबल क्या है? तो पिवट टेबल के डेफिनेशन की बात करें तो पिवट टेबल का डेफिनेशन होता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा पिवट टेबल का डेफिनेशन है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पिवट के जरिए अपने मोस्टली रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी जो आपकी जो मोस्टली रिपोर्ट है उसको हम पिवट टेबल से पिवट टेबल से हम जो बना सकते हैं। तो ये चीज हम यहां पे करने जा रहे हैं, ठीक है? तो पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान रखिएगा। पिवट टेबल लगाने से पहले आप डेटा को देख लीजिए, डेटा को समझ लीजिए, क्योंकि हम डेटा को समराइज कर रहे हैं तो हमें डेटा के बारे में पता होना चाहिए। तो पिवट टेबल को हम अगर यूज करने से पहले पिवट टेबल को हम समझ डेटा को समझ लें, क्योंकि डेटा समझेंगे तभी हम उस पर आगे कर पाएंगे। ओके, तो ये जो डेटा हमारा है सेल्स का डेटा है कि सेल्स की आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी है, आपका सेल्स डेट है, सेल्स का मोड है, ऑनलाइन है, रेफरेंसेस है, कस्टमर है, अफिलेटेड है, डायरेक्ट सेल है, कस्टमर है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर का स्टेट एंड सिटी है, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी अमाउंट है, टोटल है, टैक्स है, ग्राउंड टोटल है, इसके लिए कितनी कॉल्स की गई है और कितनी किस साइट से हमारा सेल हुआ है। ओके, तो अब इसमें ये चीज ये तो हो गया हमारा। अब ये चीज हमें जानना है इसके बाद इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमें ये तो हो गया। दूसरी चीज आपकी पिवट टेबल जो लगाने से पहले चीज देख लीजिए कि आपका कोई हेडिंग जो है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग कोई रीड करता है, इसलिए हेडिंग जो है आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? क्लियर है? जी सर। उसके बाद अब आप पिवट टेबल लगाने से पहले अगर आपके डेटा में बिल्कुल कोई रो ब्लैंक है, जैसे ये रो ब्लैंक दिख रहा है, अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो आपको डेटा को सिलेक्ट करके फिर पिवट टेबल लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये आपका जो ब्लैंक रो से जो ऊपर वाला है वो उसी को सिर्फ सिलेक्ट करेगा।
ठीक है। अब इसमें पिवट लगाते हैं, इंसर्ट में जाइए। पिवट टेबल लगाने से पहले पिवट टेबल आपका उसे इससे एक और नया ऑप्शन है, रिकमेंडेड पिवट टेबल। अब जैसे कि आप बिल्कुल नए हैं पिवट टेबल में, आपको पता नहीं कि पिवट टेबल क्या है या कुछ आइडिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, पर इस डेटा को समझेगा, समझ के इस पे आपको टोटल आपको एक रिपोर्ट बना के देगा कि आपको क्या होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में से आपको कोई लग रहा है कि कोई आपके लिए यूजफुल है, तो आप जो है इसको क्लिक करके ओके कर सकते हैं। नहीं तो आप खुद से लगाना चाहते हैं तो पिवट टेबल पे जाएं और कुछ इसके चेंज ना करें, ओके कर दें। तो पिवट टेबल क्या है, देखिए आपके सामने यहां पे दिख रहा है, ये आपका स्क्रीन है, ये जो आपका पिवट टेबल एरिया इसको बोलते हैं। अब इस पे आपकी समरी क्रिएट होना चाहे होना शुरू हो जाएगा, बस आपको फील्ड उठा के इन चारों में ऑप्शन में रखना है। तो फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए हमने आपको बोला था, हमने आपको इसलिए बोला था कि इसकी जो आपके हेडिंग्स है, जो आपके हेडिंग्स है वो हेडिंग्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक तो आपकी हेडिंग्स ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने बोला था। अमोल जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बोलते क्यों यूज करते तो उसके आगे कुछ नहीं सुना देता, फिर देते कि ये प्योर टेबल इसके लिए है, ऐसा आवाज आ रहा है आपका अच्छा, राहुल बीच में जी, का। राहुल जी आपकी भी प्रॉब्लम हो रही है, हेलो। दोनों आपको भी हो रही है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हो रही है, फिर से आ रही। एक मिनट, मेरा यहाँ तो फुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। देख लेता हूँ। ओके, अब बेटर होना चाहिए। हाँ राहुल जी, अमोल जी, सर, अब प्रॉपर है? जी हाँ, अभी ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने सीट पे गए, पिवट टेबल को इंसर्ट कर दिया, प्लीज म्यूट कर, सुन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, हमें बस कुछ नहीं करना है, यहां से फील्ड को उठा के इसमें रखना है। तो लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको रिपोर्ट जो बनाना चाहते हैं, आखिर बनाना क्या चाहते हैं, क्या चाहिए रिपोर्ट आपको। तो जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पे सिंपल सी रिपोर्ट कि हमारे जो सेल्स के पर्सन से, मतलब कस्टमर्स है, कस्टमर वाइज हम क्वांटिटी का समरी देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ओवरऑल किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी को परचेज किया है, बस हम ये चाहते हैं। तो हम यहाँ सीट फोर पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, कस्टमर एक को, कस्टमर नेम को हम रो में रख देंगे। अब कस्टमर नेम को रो में क्यों रखें, हम रो में से रखें ताकि रिपोर्ट हमारी इस तरह से रो वाइज हो जाए। हम इसको अगर कॉलम में रखते हैं तो रिपोर्ट हमारा कॉलम वाइज हो जाएगा, इसी रिपोर्ट को हमने इसको रो में रखा ताकि रो वाइज हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है हमारी, उस क्वांटिटी को उठा के हम वैल्यू में रखेंगे, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी सम करनी है, इसलिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, क्योंकि
जो भी कैलकुलेशन करने वाले फेल हो वो आपकी वैल्यू में आएगी। ये हमारी रिपोर्ट समरी बन गई कि पूजा ने इतनी शेयर की थी, एक समरी, एक रिपोर्ट, एक इंफॉर्मेशन निकल गई। लेकिन हम इसको ऐसे ही तो नहीं देंगे, इसको थोड़ा सा मेकओवर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे रो लेवल्स की जगह पे मैं नेम लिख सकता हूँ, तो चेंजिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। समम क्वांटिटी की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल सेल्स। लेकिन हम वैल्यू देखिए, इसको हम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने रो लेवल एंड कॉलम लेवल को चेंज कर सकते हैं, रो लेवल और कॉलम लेवल को चेंज कर सकते हैं, बट हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को, मतलब जो वैल्यू फील्ड में जो फील्ड रखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो जनरली हम यहाँ से फॉर्मेटिंग रिपोर्ट की करते हैं, लेकिन पिवट टेबल में अगर आप पिवट टेबल ही किसी को भेजना चाहते हो रिपोर्ट एज ए रिपोर्ट, तो आप अपनी फॉर्मेटिंग नॉर्मल फॉर्मेटिंग ना करें, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग में अगर आपकी पिवट टेबल में डेटा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो आपकी फॉर्मेटिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। ओके इसलिए आप यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में गए, नहीं डिजाइन में, पिवट टेबल एनालाइज के बगल में आपको डिजाइन दिखेगा, डिजाइन में आए और ये आपके पिवट टेबल के स्टाइल्स है, आप यहाँ से चूज करें। यहाँ से चूज अगर करते हैं तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत नहीं कुछ नहीं होगा, आपकी जब रिपोर्ट ऊपर नीचे होगी तो ये ऊपर नीचे होगी, क्योंकि ये जो डिजाइन है दिस इज द पार्ट ऑफ द पिवट टेबल। तो ये बात समझ में आएगी कि हमें नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। हो गया जी सोनू जी, आवाज ही गायब हो गया आपका। जी सर, नहीं नहीं सर, आ रहा है आपका वॉइस क्लियर। ओके सर, क्या है आप पहली बार ज्वाइन किए अमोल जी, तो आपकी सॉफ्टवेयर जो है ना पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हुई है, वो अपनी बैकएंड में अपनी पैचेस को डाउनलोड कर रहा है, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आज डिस्टरबेंस आपको हो, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं है, तो मेरे एंड से सही है। अब हम बात करते हैं इस पे, हम चाहो तो अच्छे चार्ट वगैरह है, पिवट टेबल एनालाइज में आपके पिवट चार्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप अपने चार्ट्स के जो है चार्ट्स भी लगा सकते हैं इस तरह से, और ये रिपोर्ट जहां भेजना चाहे वहां आप भेज सकते हैं। तो पिवट टेबल का मेन पर्पस होता है कि क्विकली किसी डेटा को समराइज करके, एक समरी के करके, एक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन से या एक रिपोर्ट कर लीजिए, उस रिपोर्ट को तैयार करना। तो अगर मैं इसको इंसर्ट करते हैं यहां पे, तो यहां पे अगर हम पिवट टेबल पे जाते हैं और पिवट टेबल पे हम एक बार और पिवट टेबल लगाते हैं, और मुझे यहां पे चाहिए कि मुझे पता करना है कि किस कस्टमर ने किस सेल्स मोड में कितनी चीजों को परचेज किया है। तो जैसे कि मैंने नेम को रखा, कस्टमर को यहां पे रखा, अब मुझे चाहिए किस सेल्स मोड, मतलब किस मोड से खरीदा है, तो सेल्स मोड को हम कॉलम में रख देते हैं और क्वांटिटी को वापस हम यहाँ पर रख देते हैं। अब जरूरी नहीं कि क्वांटिटी, मुझे मान लीजिए कि इसमें क्वांटिटी के साथ साथ मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट भी चाहिए, ग्रांड टोटल भी चाहिए, तो मैं ग्रांड टोटल को भी इसके नीचे रख सकता हूँ, तो यहाँ पे समम क्वांटिटी समम ग्रांड टोटल भी दिखेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि हमने सेल्स मोड को कॉलम में रखा, तो देखिए क्या है, इस तरह से दो लेजेंड के अकॉर्डिंग हमारा समय निकल गया कि मुझे नेम वाइज और सेल्स मोड वाइज हमारा शेयर निकल गया। लेकिन कॉलन में आप उसी फील्ड को रखेंगे जो आपके थोड़ा सा कम हो अकाउंट में, आखिर 5-10, 8-10 का या 12-15 का फील्ड हो, उसी को रखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास फील्ड ज्यादा हुआ, मान लीजिए मैं सिटी को रख देता हूँ यहाँ पे या स्टेट को रख देता हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या होगा कि इसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वर्टिकली जो है स्क्रॉल करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हॉरिजॉन्टली हम जनरली स्क्रॉल कर लेते हैं, और प्रिंट आउट में प्रॉब्लम होगी आपको। तो अगर आपके पास ज़्यादा है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसी फील्ड जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कोई ऐसी फील्ड में आइटम्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे फील्ड को आप सब हेडिंग बना दीजिए, रो के नीचे आप डाल दीजिए, तो इस तरह से रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा पूजा ने इसी सिटी के लिए परचेज किया हुआ है, पूजा जो कस्टमर हमारी है, और साथ में जो प्लस माइनस का साइन आप देख रहे हैं ना,
इस तरह से प्लस मैंने के साइन को भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पिवोटेबल एनालाइज में जाएंगे तो आपको कोलैप्स और एक्सपेंड होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसे हम समरी ऑफ द समरी भी कह सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा डिटेल दिख जाता है, वापस क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको एक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है आपको एज ए पिवट टेबल किसी को भेजना है तो ठीक है, लेकिन जनरली हम रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल किसी को नहीं भेजते हैं। हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद कुछ और एडिशनल कैलकुलेशन करते हैं एंड आफ्टर देन हम उसको भेजते हैं। तो उस केस में प्रॉब्लम होगा, जब इसको कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद कहीं पे आप वैल्यू पेस्ट कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि आपकी जो नेम है और आपका जो सिटी है दोनों एक ही कॉलम में आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा सिटी है और कौन सा नेम। तो हम चाहते हैं कि दोनों अलग अलग कॉलम में हो, दोनों अलग अलग कॉलम में हो। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप डिजाइन में जाए और यहाँ रिपोर्ट लेआउट पे आपके पास होता है टैबलेट फॉर्म, शो रिपोर्ट इन द टैबलेट फॉर्म, या फिर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे आइए और यहाँ लास्ट में आपको डिस्प्ले दिखेगा, इसमें क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट है उसको कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग कॉलम में आ गया। अब अलग अलग कॉलम में आ गया तो यहां भी एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं वैल्यू पेस्ट करता हूं तो फिर क्या होगा कि पूजा जो है हमारा वो सिर्फ एक सेल में है। लेकिन मान लीजिए कि हम इस रिपोर्ट पे आगे चल के फिल्टर वगैरह लगाएंगे तो जो पिवट टेबल में फिल्टर वर्क कर रहा है लेकिन नॉर्मल डेटा में तो पिवट वर्क नहीं करेगा, फिल्टर वर्क नहीं करेगा ना, वो फिल्टर सिर्फ इसी के लिए समझेगा, इसको तो ब्लैंक मान लेगा। तो इन शॉर्ट में ये करना चाहता हूं कि जो पूजा है वो पूरी की पूरी इस पर रिपीट हो जाए ताकि हम फिल्टर आसानी से लगा सकें, क्योंकि जनरली इसको अगर हम कॉपी करके किसी अलग शीट पे हम वैल्यू पेस्ट करते हैं तो अब यहां पे अगर मैं फिल्टर लगाता हूं तो यहां अगर मैंने पूजा को सिलेक्ट किया या इंद्र को सिलेक्ट कर लिया तो यहां इसे एक दिखेगा, जबकि इंद्र और पूजा भी काफी ज्यादा है क्योंकि वो ब्लैंक थे इसलिए उसको रीड नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि पूजा इस तरह से पूजा रिपीट हो जाए ताकि हम जब इसको कॉपी करके कहीं ले जाएं तो इसको आसानी से फिल्टर कर सके। तो उस केस में हम जाएंगे पिवट टेबल के डिजाइन में और रिपोर्ट लेआउट में ही आपका दिखेगा रिपोर्ट रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल। तो हर डेटा में आपका आइटम को रिपीट कर देगा। और साथ में मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल दिख रहा है ना सर, एक टोटल ना दिखे, ये टोटल हमारा ना दिखे। तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए सॉरी सर एक मैसेज आ गया था, तो राइट क्लिक करते हैं और इस पे मैं जाता हूं पिवट टेबल ऑप्शन पे। नहीं सॉरी, राइट क्लिक करते हैं और यही भी आपका ये दिखेगा आपको सब टोटल नेम, इसको अनचेक कर दीजिए। सब टोटल नेम को मैं कर दिया तो यहां देखिए आपके जितने भी टोटल दिख रहे थे टोटल हट जाए ताकि फिल्टर लगाते समय इस तरह के टोटल करके एक एक्स्ट्रा एक नया एक्स्ट्रा वैल्यू ना ऐड हो, जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे इंदर टोटल कविता टोटल ऐसे टोटल ना आए इसलिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमें रिपोर्ट में जरूरत होती है एक ब्लैंक की, मतलब कि जैसे पूजा जहाँ खत्म हो रहा है नीरज जहाँ शुरू हो रहा है इसके बीच में एक एक्स्ट्रा ब्लैंक रो ताकि बॉर्डर की तरह वर्क करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के डिजाइन में ही जाएंगे और यहाँ इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम दिख रहा है इस पे क्लिक कर दें। तो पीयू जी, राहुल जी, सोनू जी एंड अमोल जी अमोल जी में
जी सर, यस सर। कोई डाउट है? नहीं नहीं, अच्छा कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलिए अब इसमें वापस हम हटाना है, मान लीजिए ब्लैंक रो को मुझे हटाना है तो यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। मुझे यहाँ पे मान लीजिए आपका जो आपका ये है रिपीट हो रहा है, इसको डू नॉट रिपीट कर दीजिए। अब मुझे इस पे रिपीट नहीं करना है, मुझे इसको मर्ज कर देना है। ओके, जैसे मैं इसको एक बार कर देता हूँ इस तरह से, मैं उसे स्वेप कर दिया, मैं शेल को ऊपर कर दिया, नेम को नीचे कर दिया, तो मुझे इसको आप म्यूट करना है, सॉरी मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करेंगे, क्योंकि मर्ज करने जाएंगे तो पिवट टेबल में आप मर्ज नहीं कर सकते। तो मर्ज के लिए हमें राइट क्लिक करके पिवट टेबल के ऑप्शन पे आना होगा। यहां सबसे पहला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल, ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए, किसी कुछ पूछ? नो वॉइस। चलो तो यहाँ पे हमारा ये हमारा मर्ज का सिस्टम हो गया। उसके बाद अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में पूजा ने 2106 क्वांटिटी को सेल किया। अब मुझे इस चीज को जानना है कि जो 2186 जो 2106 जो क्वांटिटी है एक किस किस सेल से बना है, इसकी पूरी डेटा हमें चाहिए। तो आपको जनरली जाके फिल्टर करना पड़ेगा, फिल्टर करके आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। आप डेटा टेबल रिपोर्ट आए और इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी डेटा एक नई सीट पे कॉपी करके पेस्ट करें। ओके, एक नई सीट में कॉपी करके पेस्ट करें। तो जस्ट आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और कुछ नहीं। अब डबल क्लिक करने से इसकी डेटा आ जाएगी। तो इसका यूज आप लोग डेटा सेपरेशन भी कर सकते थे। जैसे कि मैं एक ऑफिस में काम करता था तो हमें क्या था कि ऐसे हमारे पास एक डेटा आता था, डंप आता था, तो उस डेटा में से मुझे फिल्टर करके अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोकेशंस पे मेल करना पड़ता था उनके अकॉर्डिंग उनका डेटा। जैसे मुझे पैन इंडिया का डेटा आया तो मुझे दिल्ली वाले को दिल्ली का डेटा भेजना है, मुंबई वाले को मुंबई का डेटा भेजना है, पुणे वाले को पुणे का डेटा भेजना है, तो हर अलग अलग डेटा भेजना है। तो हमें क्या करना होता था कि यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर किसी स्टेट ही नहीं और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे, तो सारे हम पिवट पे बना लेते थे। हेलो सर, ये अपनी आईडी बार बार लॉग आउट क्यों हो रही है सर? अपने आप आईडी लॉग आउट हो रही है आपकी? हाँ सर, हमारे अपने आप कनेक्शन में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था, अपने आप सर कनेक्ट हो जाता है सर। वो आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, अपने अपना क्या बोल रहे हैं, कोई एंटीवायरस डाल रखे हैं क्या? कोई एंटीवायरस डाल रखेंगे आप? नहीं नहीं सर। तो ऐसी प्रॉब्लम एंटीवायरस होती है उस पर होता है, क्योंकि सर इंटरनेट से चलते हैं ना, अगर आपने इंटरनेट सिक्योरिटी डाल रखी है तो वो दिक्कत करता है। हाँ हाँ सर डाल रख। हाँ तो उसको पुश कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि आपकी जो मेरी जो पूरी वीडियो है डेटा डाउनलोड हो रहा है ना, तो सिक्योरिटी उसको हमेशा चेक नहीं करता, इसलिए उसको बार बार स्टॉप कर देना है। ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हम बोल रहे थे कि हम क्या किए, हमने पूरी रिपोर्ट से तब ना दी, डबल क्लिक करके हमने डेटा को अलग शीट में सेपरेट कर लिया, तो हमें फिल्टर करके और कॉपी पेस्ट करने से हम बच जाते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हमारे बहुत सारे आपके ऑफिस में या मेरे पास भी बहुत सारे ऑफिस में हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों की हैबिट है डबल क्लिक करने की, इस तरह से अब रिपोर्ट में डबल क्लिक करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है ना, गलती से डबल क्लिक कर दी तो नई शीट में डेटा ऐड हो जाता है। तो
उनको ये हैबिट थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डबल क्लिक करने पे मेरा डेटा एक अलग शीट में ना जाए, जैसे कि डबल क्लिक करने पे डेटा नई शीट पे जा रहा है, ऐसे एक नई शीट पे मेरा डेटा ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पिवट टेबल पे राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे आना है, और यहाँ डेटा में आप जाके यहाँ पे दिख रहा होगा अनेबल शो डिटेल पे जाके ओके कर दें। अब डबल क्लिक पे क्या होगा कि डेटा एक नई शीट में नहीं जाएगा। तो अब हमने आपके सामने बात की कि हम इस तरह से दो रो में या कॉलम में डेटा रखते हैं, आप क्वांटिटी में भी कई सारे डेटा रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ग्रांड टोटल रखना चाहता हूँ, तो मैं देखिए ग्रांड टोटल रखना चाहता हूँ, साथ में टोटल कॉल्स भी रखना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो जैसे आप दो फील्ड यहाँ पे रखते हैं, यहाँ ऊपर कॉलम में आपके सामने वैल्यू आ जाता है, मतलब कि आपका जो वैल्यूज है, सम ऑफ द वैल्यूज जो है वो आपके रो वाइज है, उसको आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेट को हटा देता हूँ और मैं इस वैल्यू को उठा के रो नेम के नीचे डालता हूँ, तो देखिए पूजा समुद्र क्वांटिटी समुद्र टोटल टोटल कॉल्स इस तरह से रिपीट हो रहा है, और वैल्यू को आप यहां पर रख दीजिए तो इस तरह से आपको रिपोर्ट दिखेगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसकी फिल्टर जो आपने देखा कि मैंने यहाँ फिल्टर नहीं क्यों रखती, इसकी पेज फिल्टर नहीं, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं ये ओवरऑल रिपोर्ट्स है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सेल्स मोड या पर्टिकुलर कंडीशंस पे रिपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एफिलेटेड सिलेक्ट कर लिया, तो अब जो रिपोर्ट है सिर्फ एफिलेटेड की रिपोर्ट है, और सिर्फ इसमें एक ही नहीं एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे यहाँ सो मल्टीपल्स आइटम सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पर क्लिक करना होगा, और आपको एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करना होगा। ओके, और इसमें जो पिवट आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपको पिवट चार्ट के बारे में बताया। अब किसी ने मुझसे पूछा है कि पिवट टेबल में पिवट चार्ट क्या होता है, देखिए पिवट चार्ट और आपका यहाँ जो नॉर्मल चार्ट है वो दोनों एक ही है, पर पिवट चार्ट में सिर्फ आप लगाएं या यहाँ से लगाएं, दोनों लगता पिवट चार्ट ही है। तो पिवट चार्ट की खासियत है कि डेटा आपके पिवट से कनेक्टेड होता है, अब आपकी पिवट चेंज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल कॉल्स को हटा दिया, हमने यहाँ डाउन बटन को हटा दिया, तो आपका पिवट उसी हिसाब से अपग्रेड होते रहेगा। या फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको इसमें सेल्स मोड को लेके मैं नेम पर रख दिया, तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह से सेल्स बन गई आपकी, ये पूजा ऑनलाइन ये सबको दिख रहा आपको एक साथ, फिर नीरज, इस तरह से रिपोर्ट बन गई। तो पिवट चार्ट इससे कनेक्टेड होता है, लेकिन इसमें जो इसका जो मजा है वो स्लाइसर के साथ है, जो कि हम आगे की क्लासेस में आपको कवर करेंगे कि स्लाइसर के साथ किस तरह से हम पिवट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पिवट टेबल की समराइजेशन, मतलब कि आप पिवट टेबल लगाएं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी समरी क्रिएट कर लें। देखिए ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है और आप समरी क्या निकालना चाहते हो, ठीक है। यहां पे दूसरा बात आती है, जैसे मान लीजिए नेम बाय हमने क्वांटिटी का टोटल डाल दिया या अमाउंट डाल दिया, तो अब इसमें हम सिर्फ इसका समरी नहीं कर सकते, साइड में क्लिक कीजिए, यहां देखिए इसमें आपको जो है वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ आपको सम काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको एवरेज पे क्लिक कर दिया, तो अभी मेरा एवरेज दिखेगा, और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा स्लोली सीखिए। ओके, तो कल हम बात करेंगे पिवट टेबल में सॉर्टिंग फिल्टर मूविंग ग्रुपिंग इन सबों के बारे में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके पास छोटी मोटी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।